Assalamualaikum, मेरे आप सब मेरे स्कूल स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे जानते हैं तो नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक में प्रमोट हो चुके हैं, जो एट क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो नाइन्थ में प्रमोट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों की बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात ये करना चाहता हूँ कि आप घर में हैं इस वक्त और लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो स्टूडेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि आप अपने टाइम को कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना किल कर रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आपका जितना टाइम है आप 24 आवर्स में से ग्रेट स्लीपिंग टाइम निकाल कर आप 16 आवर्स 16 घंटों में से अगर आप 3 घंटे भी इस वक्त अगर आप पढ़ लें तो आपकी नाइन्थ और मैट्रिक थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मैं इंटर को पढ़ाता हूँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर को पढ़ाता हूँ, तो जो बच्चा नाइन्थ मैट्रिक सही से करके हमारे पास आता है उस बच्चे की बात ही अलग होती है, उस बच्चे की हर चीज डिफरेंट होती है उस बच्चे से जो कि नाइन्थ मैट्रिक में अपना टाइम पास करके मैट्रिक में आता है, सॉरी फर्स्ट ईयर में। स्टूडेंट्स मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जितनी मेहनत करेंगे, यानी कि अगर आप जो भी पोएंगे या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में काटेंगे, ठीक है नाइन्थ मैट्रिक में आपका जो बोर्ड है उसकी सिचुएशन इस तरह की सॉफ्टनेस से आपको अलाउ कर दिया जाता है और ठीक है आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में आप ऐसे कुछ नहीं, लेकिन आप चूंकि आदत हो चुकी है होती आपकी तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये गलत है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपकी नाइन्थ मैट्रिक जो भी है, जो भी आप इस 2 सालों में बोएंगे वो फर्स्ट ईयर में काटेंगे। अगर नाइन्थ मैट्रिक आपकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी है, तो फर्स्ट ईयर में आप सुकून से पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर आपने नाइन्थ मैट्रिक अपने तरीके से की, जैसे आप लोग चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ना हो बस इंजॉयमेंट हो, तो फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपकी भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ इस वक्त मेहनत करनी है, आपका जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन है आपका हम ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करेंगे। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है साइंस सब्जेक्ट्स लेक्चर 1। देखिए बेटा बात दरअसल ये है कि आप नाइन्थ में केमिस्ट्री और बायो है, मैट्रिक में फिजिक्स और मैथ्स है, ये सब है। स्टूडेंट्स जब आप पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं, आपसे पूछो आप क्या करें, आप क्या मैट्रिक कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं, तो आपसे कभी कोई पूछ ले साइंस क्या होती है तो आपसे क्या जवाब दे, डिफरेंट जवाब आते हैं। क्या जवाब आते हैं जी, टू नो इल्म, ये व्हाटएवर जो होते हैं। बट आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। आपने बचपन से जब आपका बैग भारी होना शुरू हो जाता है, बैग भारी होने से मुराद ये आप तीसरी क्लास में जाते हैं, इतनी किताबों से इतनी हो जाती है, तो इसका मतलब इसमें मोटी किताब भी होती है, उसका नाम साइंस। दूसरी और तीसरी क्लास से आप साइंस पढ़ना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, आप 8 क्लास तक साइंस पढ़ते हैं, फिर क्या 8 के बाद साइंस नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं साइंस, फिर आप साइंस की फील्ड्स में चले जाते हैं, और पहले आप 8 क्लास तक जनरल साइंस पढ़ते हैं। जैसे 8 क्लास में आपने 7 क्लास से साइंस की बोर्ड है, उसमें 1 चैप्टर होगा जिसमें हीट डिस्कस हो रही होगी, 1 चैप्टर होगा जिसमें ऑर्गेनिक सिस्टम डिस्कस हो रही होंगी, 1 चैप्टर ऐसा है जिसमें केमिकल्स डिस्कस होंगे, यानी उस साइंस में आप फिजिक्स भी पढ़ते थे हीट वाला चैप्टर, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे केमिकल्स वाला चैप्टर, जो ऑर्गन सिस्टम बॉडी का था वो बायो का था, यानी आप सब कुछ कंबाइन करके पढ़ते। लेकिन चूंकि अब आप बड़े हो गए, माशाल्लाह बड़े हो गए, तो नाइन्थ में अगर आप केमिस्ट्री बायो, मैट्रिक में अगर आप फिजिक्स और मैथ्स, यानी कि आप साइंस की ब्रांचेस को पढ़ना शुरू कर देते हैं और डिटेल में जाना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बात दरअसल ये है कि आप जो पढ़ते हैं वो साइंस क्या है, इसकी मैं 3 वर्ड की डेफिनेशन बताता हूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की 3 वर्ड की डेफिनेशन बताता हूं। साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, आप नेचर को पढ़ें, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर कुदरत को पढ़ें। अब आपके यहां स्टडी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आपको पता है आपके यहां स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, क्या पढ़ना, मैं आपको ये मार्कर देता हूं कि बेटा ये मार्कर की स्टडी करो, मैं आपको बताता हूं आप कैसे करोगे। आप ये मार्कर की स्टडी ऐसे करोगे, आप इसको रीड करना शुरू कर दोगे, डॉलर ड्राई रेस मार्कर लो जो भी इसके ऊपर लिखा आप पढ़ना शुरू कर दोगे। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी, आपको स्टडी और रीडिंग में फर्क पता होना चाहिए। जो ये मैं कर रहा हूं ये रीडिंग कर रहा हूं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, जो वर्ड स्टडी है इसका तो मतलब ही कुछ और है जो आज तक आपको पता भी नहीं था। स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन About a specific, of a specific substance. अब आपने किसी एक सब्सटेंस होगा, कोई एक चीज होगी, आपने उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन
क्वेश्चन दे, लेट्स सपोज दिस इज अ मार्कर, मार्कर है, आप मुझे दे दें कि सर इस मार्कर की स्टडी करें, तो मैं इस मार्कर की स्टडी कैसे करूंगा, मैं आपको बताता हूं, मैं इस मार्कर की स्टडी ऐसे करूंगा बेटा, मैं इस मार्कर को सबसे पहले लेने के बाद मैं इसकी एक चीज पढ़ूंगा जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर, बनावट, साख्त। मैं कहूंगा ये मार्कर सिलेंड्रिकल शेप में है, आगे इसके एक कैप है, उसके बाद इसकी शेप डिक्रीज होती है, आगे एक निब है, उसके बाद इसके अंदर एक ब्रश है, पीछे इसका बैक बटन है, सॉरी जो है बैक कैप है। अब देखिए मैंने क्या किया इसको, मैंने इसका स्ट्रक्चर को पढ़ा, ये बना रही इसकी बनावट कैसे बनावट। अब ये एक हिस्सा, दूसरी बात अब ये बना किससे है, अब मैं इसको पढ़ने लगा हूं, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक में पॉलीमर्स यूज होते हैं, अब ये प्लास्टिक है, ये फलां प्लास्टिक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये फलां चीज का पॉलीमर है, अच्छा इसको इस तरह बनाया जाता है, इसमें ये चीजें डलती हैं तब जाकर ये बनता है। अब मैंने पढ़ा इसकी प्रिपरेशन या आपके लिए स्ट्रक्चर सॉरी कॉम्पोजिशन। दूसरी बात अब फिर मैं आया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ कितने टेम्परेचर पर जाकर ये पिघल जाएगा, कितने टेम्परेचर पर जाकर ये पिघलना शुरू हो जाएगा, अच्छा पिघलने के बाद इसका लिक्विड बनेगा, फिर वो लिक्विड एवोपरेट कितने टेम्परेचर पे होगा, अच्छा बताओ ये कितनी फोर्स से टूटेगा, अच्छा बताओ ये कितनी हीट बर्दाश्त कर सकता है। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं इसकी प्रॉपर्टीज, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, सब कुछ। अब मैं ये भी पढ़ सकता हूं इसके अंदर कि ये कैसे टूट सकता है, इसमें क्या क्या चेंजेस मैं ला सकता हूं। अब ये मैंने मार्कर की स्टडी की, रीडिंग रीडिंग आप करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा किसी भी चीज की स्टडी आप कर सकते हैं। आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं सर ये ऊपर फैन लगा हुआ है, इसकी स्टडी कैसे करें, तो इसकी बहुत सारी एस्पेक्ट्स है स्टडी की। एक तो इसका मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट है कि मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से या इसके मटेरियल के लिहाज से, तो मैं कहूँगा ये एल्यूमिनियम के रिंग्स हैं, बीच में आयरन का रोटर लगा हुआ है, उसके अंदर ये कॉपर की वायर है, वायर को बाउंड किया हुआ है, ये सब कुछ। फिर मैं इसका स्ट्रक्चर पढ़ूंगा कि इसके तीन रिंग्स हैं, एक रोटर है, एक रोड है, तो मैं इसकी बनावट पढ़ ली। अब इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं, ये कितना करंट लेता है, कितनी वोल्टेज लेता है, कितनी कम वोल्टेज पे जलने का खतरा है, कितनी ज्यादा वोल्टेज पे जलने का खतरा है। आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको कोई नई चीज बता, क्या चीजें आप थोड़ा बहुत जानते नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप जो चीज पढ़ते हैं, आप जो स्टडी करते हैं, उसका असल मतलब क्या होता है स्टडी का, असल मतलब स्टडी का ये होता है आप उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कंप्लीट। अब स्टडी ऑफ नेचर, इस दुनिया में, इस कायनात में आप किसी भी चीज को उठाकर पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ने से मुराद मैं बता चुका हूं आपको रीडिंग में, स्टडी उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो दैट इज कॉल्ड साइंस। आप चलते चलते पानी, आप पानी को स्टडी करना शुरू कर दें, साइंस। चलते चलते आपने रास्ते में कोई पेपर उठाया, आप उस पेपर को उठाकर पढ़ना शुरू कर दें, ये कैसे बना होगा, किस तरह का पल्प होगा इसका, इसमें पानी गिरने से इसकी सॉफ्टनेस क्यों आ जाती है, इसकी आर्डर खत्म क्यों, ये सारी चीजें आप साइंस। आप बैठे बैठे अपनी बॉडी को स्टडी करना शुरू कर दें कि मेरे लंग्स क्या काम करते हैं, मेरी किडनीज क्या काम करती हैं, मेरे हार्ट का क्या काम है, मेरी बॉडी में कौन से पैरामीटर क्या करते हैं, तो ये आप साइंस पढ़ लें। चलते चलते आपने देखा इलेक्ट्रिकल, आपने देखा दो तारें टच हो रही है, स्पार्किंग हो रही है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो कि ये स्पार्किंग क्यों हो रही है, क्या वजह है, साइंस पढ़। अरे आप तो बचपन से साइंस पढ़ते आए, वो नहीं बचपन में आप सवाल करते थे चिड़िया तार में बैठती है उसको करंट क्यों नहीं लगता, ये बचपन से ही आप साइंस पढ़ते हो ना, आप तो जीते बच्चे, आप तो महान बच्चे हो, आप तो बचपन से ये फिजूल चीजों में साइंस ढूंढते रहे, है ना, गुड। अब आप तो माशाल्लाह बिराद हो ना बेटा। स्टडी ऑफ नेचर, कुदरत को पढ़ना, फितरत में जो यानी कि जो भी आपकी कुदरत है, आप इस कुदरत में, इस पूरी कायनात में किसी चीज को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी कॉम्पोजिशन को, बेटा ये साइंस में आ जाता है, ठीक है। अब साइंस की फील्ड्स आती हैं, डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। साइंस में जो पहली फील्ड आती है, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि बायोलॉजी। मैं पेशे से इंजीनियर हूं, बायो से मेरा दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ा सा बेटा बायोलॉजी में ना, मैं अगर आपको कहूं कि
लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, लाइफ को डिस्कस करते हैं। अब लाइफ को डिस्कस करने का मतलब नहीं कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है उसको डिस्कस करना है, लाइफ को डिस्कस करने का मतलब है दुनिया में जो भी चीज है जो सांस लेती है ग्रो करती है आप उनकी उनको पढ़ो। आप इंसानों को पढ़ते हैं ना, इसमें प्रैक्टिकल करते हैं, बैठे बैठे काट देते हैं, क्यों भाई, लिविंग थिंग है, हम चेक करते हैं उसके अंदर क्या क्या सिस्टम है। आप इंसानों के बारे में, किसी भी जानदार पौधों के बारे में आप पढ़ें कि इनके अंदर ये चीज क्या काम करती है, इस चीज का स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या क्या मतलब इसके फंक्शंस हैं, तो ये आप बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब, इसकी भी मैं तीन वर्ड की डेफिनेशन बताऊंगा, स्टडी ऑफ लाइफ। जिंदगी को पढ़ना, चाहे वो किसी भी चीज की जिंदगी, बस वो जिंदगी होनी चाहिए, ठीक है, अपनी जिंदगी नहीं, जो जिंदगी का आपको समझ है बुरी बात। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री माय सब्जेक्ट, इसीलिए मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, इसीलिए इसका नाम भी इज्जत से लेते हैं, बुरी बात होती है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं पढ़ते बल्कि बहुत कुछ पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। मादे को पढ़े, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने मार्कर पढ़ा था ना, चले सोचे कि ये साइंस की कौन सी ब्रांच हो सकती है। अच्छा मैटर क्या होता है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बताऊंगा, मैटर हर वो चीज जिसमें दो चीजें हो, एक वो जगह ले रहे, दूसरी उसका वेट हो, एक जो जगह है दूसरी जिसका वेट हो। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम वेट इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे मैटर कहते हैं। हर वो चीज जो जगह घेरती है वजन रखती है उसे मैटर कहते हैं। इसकी बात कर लो मैं, इजाजत है, ये क्या है, जगह घेरती है, ये देख लो मेरे हाथ किसने जगह घेरी है, वजन है बिल्कुल है, तो ये क्या हुई, मैटर हुई। स्टूडेंट्स अब अगर ये मैटर है तो इसकी स्टडी का क्या मतलब है, सर थोड़ी देर पहले तो आपने इतना बड़ा भाषण दिया है कि भाई इसकी स्टडी कैसे होती है, कि ये किससे बनी है, कैसे बनी है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने क्या की थी, मैंने इस मार्कर की केमिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने इसमें आने वाले चेंजेस को पढ़ने की कोशिश की थी, इसमें आने वाले चेंजेस कौन से, ये कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर बना है, ये कैसा कंपाउंड है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स चलते हैं, ये सारा कुछ मैंने किया था, ये क्या किया था मैंने साइंस के अंदर, क्या ये बायोलॉजी होगी, साइंस की तो ब्रांचेस है ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स मैथ्स इसके अलावा भी होती है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैंने इस मार्कर की बायोलॉजी पढ़ी थी, नो मैंने इस मार्कर की केमिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने इस मार्कर की बेटा केमिस्ट्री पढ़ी थी, क्योंकि आप देखिए ना स्टडी ऑफ मैटर, मैंने मैटर की स्टडी की, मैंने मैटर को डिस्कस किया, मैंने इसकी स्टडी की, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, तो इसका मतलब क्या निकलता है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी। आप मुझे पानी दे के गए, मैंने पानी के अंदर कोई चीज डाली, तो डालने के बाद में बैठ गया कि ये कैसे हुई, अच्छा ये बताओ ये चीज डालने के बाद पानी में क्या क्या चेंजेस आ गए, क्या इन चेंजेस से पानी को कोई फर्क पड़ा, अगर फर्क पड़ा तो क्या फर्क पड़ा, पानी की पहले प्रॉपर्टीज क्या थी, इसको डालने के बाद पानी की प्रॉपर्टीज क्या हुई, ये सब चीजें, ये सब की सब चीजें आपकी किस में आती है बेटा, ये आपकी चीजें आती हैं स्टडी ऑफ मैटर, क्योंकि वाटर लिक्विड है, लिक्विड इज द सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड यस सेकंड स्टेट, इसके अलावा भी होती है लेकिन आपके कोर्स में नहीं, सॉलिड लिक्विड यस लिक्विड है, आपने वाटर को डिस्कस किया इसका मतलब आपने मैटर को डिस्कस किया, आपने मैटर की स्टडी की, तो इससे क्या मतलब निकलता है बेटा, इससे ये मतलब निकलता है कि हमने केमिस्ट्री पढ़ी है। अब अगर आगे आए मैथमेटिक्स, हमने तो देखा बात किया ना कि आपके कोर्स में क्या बहुत से तरह बेसिक साइंस को डिस्कस करें, तो इसके बाद आपकी तीसरी चीज जो आती है वो आती है मैथमेटिक्स।
स्टूडेंट्स आपको पता है आप बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स आपने तब पढ़ी थी जब आपने दो का पहाड़ा पढ़ा था, यानी टू का टेबल पढ़ा था, टू वन से टू, टू टू से फोर। आजकल वो भी याद नहीं होगा लॉकडाउन में, आप लोगों को भूल गए होगा आप लोग सब कुछ। तो पुत्र आपने जो मैथमेटिक्स का वो टेबल पढ़ा था ना, तो वहां से आपकी मैथ्स की बुनियाद स्टार्ट हुई थी, बल्कि वहां से भी नहीं, जब आपने पढ़ा था वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो आपने मैथ्स पढ़ी थी। बात सिर्फ ये है कि मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ ना बेटा मैथ्स कहाँ इस्तेमाल होती है, बच्चा कहता है सर नोट गिनने में इस्तेमाल होती है। मैथमेटिक्स दुनिया में, यानी आप इसको कहो मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, तमाम साइंसेस की माँ है, अब्बा का मुझे भी नहीं पता, पूछना नहीं। मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल द साइंस, इसके बिना हर साइंस अधूरी है बेटा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर साइंस की मामा जो है, यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, साइंस की मामा कहाँ इस्तेमाल होती है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ इस्तेमाल होती है। आप पहली बात जो आपकी वजह मैथ्स नोट गिनने में इस्तेमाल होती है, अस्तगफिरुल्लाह काउंटिंग। दूसरी चीज, आपकी कोई बिल्डिंग कोई घर मैथमेटिक्स के रूल्स के बिना नहीं बन सकती। आप जो गाड़ियां देखते हैं ना, गाड़ियां, ये जो गाड़ियां चलती हैं रोडों पे कार्स, इनमें भी मैथमेटिक्स के शेप बनाने में मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। तभी तो ऐसा हो सकता है कि दो मॉडल एक मॉडल की बहुत सेम कार है, लेकिन एक बोले नहीं मेरा बोनेट बड़ा है तुम्हारा बोनेट छोटा है, या तुम्हारा डिजाइन चाहिए मेरा डिजाइन चाहिए, सेम मॉडल बेटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें मैथ्स के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और हर कार पे सेम रूल अप्लाई होगा, सेम मॉडल। तो बात यह है कि मैथमेटिक्स की जितनी बिल्डिंग्स बनती है, ये जितनी चीजें हैं, ये सब मैथ्स के उसूलों पर बेटा, मैथ्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। आपकी जिंदगी में चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम ले लेता, आपको ये भी नहीं पता होता कहां ले जाए। तो बस अभी इसलिए थोड़ा मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आप लेडर, आप सीढ़ी, सीढ़ी दीवार के साथ लगाते हैं, सीढ़ी दीवार के साथ लगाते हैं, आप देखें अब उस सीढ़ी का जो एंगल होता है ना दीवार के साथ जब आप लगाते हैं, उसका जो एंगल होता है, ये भी स्टेप, यानी कि सीढ़ी ज्यादा स्टेबल है, स्टेयर ज्यादा स्टेबल है, ये भी आपको मैथ्स बताती है। क्योंकि इस पर ट्राइंगल बनता है बकायदा, फिर आप इसकी निकालते हैं कि किस हम एंगल पे रखेंगे ये बहुत ज्यादा होगी, किस स्टेबल होगी और साइड पर पहुंचेगी। ठीक है, सारे उसूल फिजिक्स के भी अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं इसमें इंक्लाइंड प्लेन भी आ जाती होगी आपके एरिया में, ले बात की बात है, लेकिन इसमें मैथ्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो मैथमेटिक्स, आप किसी मजदूर मतलब किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, आपसे बोलते हैं ये बिल्डिंग बनानी है, ये बताओ उसमें कितना सीमेंट, कितने लोग और कितना पैसा लगेगा, वो एक चीज होती है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स पढ़ के आए होंगे आपको, वो मैट्रिक्स के रूल्स लेते हैं। आप अभी मैट्रिक में स्कोर डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के रूल लेते हैं। तो इसमें आप सिर्फ एक पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नंबर सिस्टम्स, इसकी भी तीन वर्ड की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पूरा एक वर्ड होता है ना सर, चार हो गए आपने तो तीन का कहा था, स्टडी ऑफ नंबर सिस्टम, आप नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, बहुत सारे नंबर सिस्टम, यानी कि मैं जो बातें सारी कर रहा हूं नंबर सिस्टम्स की कर रहा हूं। तो मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर सिस्टम्स। यूनिवर्सिटी के लड़कों को भी नहीं पता होता ज्यादातर कि मैथ्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैथ्स का मतलब होता है सवाल दिया होगा उसमें आप में जाके एक्स वाई निकाल लें, हाँ ना, बुरी बात, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि जनाबे वाला फिजिक्स, ये आप मैट्रिक में आपके दो सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक फिजिक्स, नाइन्थ में बोलते हैं स्टूडेंट्स, पता तो होना चाहिए ना कि क्या है। आप देखिए, आप सोचें है क्या है जिंदगियां, यहां पढ़ ली चीजों को, यहां पढ़ लिया नंबर सिस्टम्स को, यहां पढ़ लिया, कुछ तो रहता है। चले बिल फर्ज, मैं इस मार्कर को उठा के मैं दीवार पर फेंकता हूं, इजाजत है जैसा कर, मैं इस मार्कर को उठाकर दीवार पर फेंकता हूं। अब मैंने मार्कर दीवार पर मारा, अब आप एक साइंस के बच्चे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यानी आप इसको पढ़ना शुरू कर दें, ये मार्कर वहां क्यों गया, अगर ये मार्कर वहां गया तो ये नीचे क्यों आया, यहां नीचे गिरा तो ये वहां तक कैसे चला गया। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स, आपको पता है ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से मार्कर को मैंने वहां तक फेंका, मेरे हाथ की फोर्स, यानी मेरी, मैं आप ये कह सकते हैं मेरी एनर्जी, एनर्जी आपको
आप गली में खड़े, आपके पास बोल आती है, बच्चा बोलते हैं खा के फेंको, आप खा के फेंक दीजिए, यही बोल रमजान में इफ्तार से थोड़ी देर पहले आए, आप उसको उठा के फेंकना भी पहाड़ लग रहा होगा। आप बोले तो खुदा के उठाने मेरी हिम्मत नहीं, क्यों आप में एनर्जी नहीं होती उस वक्त, आपकी एनर्जी नहीं होती, एनर्जी खत्म हो चुकी है तकरीबन, आपकी एनर्जी जो है ना कम हो चुकी होती है आपकी बॉडी में, दैट इज वाई आप वो काम नहीं कर पा रहे, आप वो काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी आप चलो इसलिए आपको बता रहा था कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने ये मार्कर उठा के दीवार में मारा तो इससे क्या हुआ, इससे मैं बताता हूं क्या हुआ, मेरे हाथ में जो एनर्जी थी वो मैंने इस मार्कर में ट्रांसफर कर दिया, मार्कर वहां तक उसके जरिए गया, फिर वहां से लेकर नीचे जमीन में उसको नीचे खींचे वो मार्कर नीचे आ गया। इसमें एक और लो भी लगता है, वो आप चैप्टर 3 में खुद ही पढ़ लेंगे, अभी मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, फिजिक्स चीजों को फेंकने के काम आती है? नहीं भाई नहीं, क्या होता है, मैं ये कह रहा हूं फिजिक्स वहां है जहां दो चीजें होंगी, मैटर एनर्जी, जहां मैटर का ताल्लुक एनर्जी के साथ आ रहा होगा ना, वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, वो आपकी कहलाती है फिजिक्स। जैसे कि मैं दोबारा आपको बता रहा हूं बेटा कि ये मार्कर था, मैंने इसको उठा के दीवार पे फेंका बेटा, तो दीवार पे फेंकने के बाद क्या हुआ, ये एक मैटर है और मेरे बॉडी से उसको एनर्जी नहीं वो वहां तक गया। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इस अगर मैं यहां आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है मैं डेस्क पर हूं, मैं इस डेस्क को खींचता हूं तो ये एक मैटर है, मैंने इसमें एनर्जी लगाई, तो जो दो चीजें आ गई ना, मैटर और एनर्जी, तो फिजिक्स आप जाते जाते किसी को चमाट मार देते हैं, वो मैटर है, आपके हाथ में एनर्जी है, लेकिन उसके हाथ में भी एनर्जी है, मैं बता रहा हूं छोड़ेगा वो भी नहीं, लेकिन आपने क्या किया, आपने फिजिक्स अप्लाई कर दी, ठीक है, ध्यान से देखना कि उसकी फिजिक्स आपसे ज्यादा खतरनाक है वरना आपकी बायो खराब हो जाएगी। अब स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, सर ये दो तीन वर्ड से ज्यादा जा रहे हैं, हाँ बेटा पता है, अब आखिरी डेफिनेशन है, मजबूरी है जाना पड़ेगा, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, इसका मतलब होता है बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, राइटिंग समझ नहीं आ रही तो क्या मुंह से भी तो बोल रहा हूं, सुन लो क्या बेटा, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, ताल्लुक, उनका लिंक आपस में, बिटवीन बिटवीन व्हाट, मैटर और एनर्जी का जो ताल्लुक होता है वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यानी आप पूरे 18-19 चैप्टर जो फर्स्ट ईयर मैट्रिक में पढ़ेंगे उसमें जो है वो आप क्या करेंगे, उसमें आप दो ही चीजें पढ़ेंगे, मैटर का ताल्लुक एनर्जी के साथ, तो फिजिक्स क्या है बेटा, जहां पे आप एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन को पढ़ सकते, बहुत सारी बातें, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने बॉल को हिट की, बॉल आपने बैट से हिट की, बॉल जो है वो गई ग्राउंड से बाहर, तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे ये हुआ कि आपने बैट के जरिए उस बॉल पे फोर्स लगाई और उस बॉल पे फोर्स लगाई और वो बॉल एनर्जी लेकर बहुत ऊपर तक चली। तो सिर्फ इतनी सी बात है मेरे लाल कि आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि फिजिक्स क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, और आपकी मैथमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नंबर सिस्टम्स, केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ लाइफ, और इन सब को कंबाइन कर दो तो स्टडी ऑफ नेचर, यानी ये चारों क्या है, ब्रांचेस हैं साइंस की। अच्छा अभी आपको मैं 9th क्लास की, चले मैं अपनी रेस की बात करूं, सिर्फ इसी बाकी छोड़ दें, आप बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, हमने बुक में पढ़ी थी, वहां इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी थी, भाई अगर आप उसको और से पढ़े ना वो क्या होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस अकर इन मैटर। तो आप मुझे बताएं, मैंने आपको क्या बताया कि स्टडी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन, उसके अंदर क्या चेंजेस आई है, तो बात ये भी वही कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूं, मैं छोटी कर रहा हूं बड़ी कर रहा हूं, मेरा जो वर्ड स्टडी है इसमें सब कुछ आ जाता है, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर चाहिए सब कुछ आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा, स्टूडेंट्स का आपको फर्स्ट लेक्चर था तो आपको आज जस्ट साइंस के बारे में नौबत दी है कि बचपन से जो साइंस पढ़ते आ रहे उसका मतलब भी बताया नहीं, तो इंशाल्लाह ताला हम
जो कल का लेक्चर होगा हम उसके अंदर मजीद चीजें डिस्कस करेंगे और हम अपने सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।